नमस्कार, आज मैं मेथी दाने की सब्जी बनाऊंगी। ये सब्जी बहुत कम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये कड़वी लगती है। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बच्चे भी खाएंगे और ये सबको पसंद आएगी। हेल्दी तो ये है ही, फिर ये टेस्टी भी लगेगी। ऐसी ही और रेसिपी से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम इसके मेन इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हम साबुत मेथी के दाने लेंगे और 10-12 घंटे भिगो देंगे और भिगोए हुए मेथी दाने को फिर बॉईल कर लेंगे। सब्जी में हम आलू भी डालेंगे तो उसे भी बॉईल कर ले और 2 बड़े टमाटर भी चॉप कर ले। तो अब रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखे और इसमें तेल डाले। तेल गर्म होने पर 1 चम्मच जितना राई जीरा डाले, हींग डाले और फिर कटा हुआ टमाटर डाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाले। इधर मैं लाल मिर्च पाउडर को लहसुन के साथ कूट कर डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन यूज नहीं करते तो सिर्फ लाल मिर्च पाउडर डाले। फिर स्वाद अनुसार नमक डाले और 1 चम्मच जितनी चीनी डाले। इसे अच्छे से मिलाए और थोड़ी देर पकने दे। अब कटे हुए बॉइल्ड आलू डाले और फिर बॉइल्ड मेथी के दाने डाले। अब इसे अच्छे से मिलाए। हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, थोड़ा मतलब 1/4 कप जितना, क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगा ने आप ये एकदम अच्छा ग्रेवी जैसा हो जाएगा। देखिए, ये 3-4 मिनट पकाने के बाद ही अपने आप बराबर हो गया है। थोड़ा सा नींबू का रस डालें। अब इसे ढके और थोड़ी देर पकने दे। 4-5 मिनट इसे ऐसे ही पकाने के बाद अच्छे से मिलाए। तो अब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी। इसे आप गर्मा गर्म रोटी और प्याज के साथ सर्व करें।